एस सी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अ पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक द रॉड परपेंडिकुलर टू एट एन एंड एंड स्टॉप। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड बाय द टाइम इट टर्न थ्रू अ राइट एंगल। शो डेट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 टाइम डेट ऑफ द पार्टिकल द कोलिजन इज एलास्टिक। ओके, यहाँ पे हमें एक रोड गिवन है जिसका लेंथ दे रखा है एल, राइट। लेंथ कितना देखा एल और मास गिवन है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल जो इसे स्ट्राइक हो रहा है, और पार्टिकल एम मास का है और मान लेते हैं वी स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और स्ट्राइक हो रहा है इसके एंड पे, राइट। हमें क्या पूछा है कि सेंटर ऑफ मास, देखो जैसे स्ट्राइक होगा ये रोटेशन होगा इसका, ये रोटेट होकर ये इस तरह से हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो जब ये पैरेलल हो जाएगा इस पोजीशन पे आ जाएगा, जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? ये एम मास विद वेलोसिटी वी स्ट्राइक करेगा एंड पे, 4m मास है, एल लेंथ है, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस हो जाएगा जब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा। ये एंगल जब 90 हो जाएगा तब सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेम मैं सिस्टम मान रहा हूँ, दोनों पार्टिकल को सिस्टम मान रहा हूँ, तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो, यानी मैं एंगुलर मोमेंटम की क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो पी वन इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली ये रेस्ट पे है, ये मोशन कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम मान लो इसका जो सेंटर है उसकी स्पीड है वी टू, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, 4m इंटू वी टू, ठीक है। ये सिर्फ से स्ट्राइक हुआ है, अब ये मोशन कर रहा है तो इसका मास कितना, 4m, ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये मोशन करेगा तो 4m इंटू वी टू, तो यहाँ से अपने को वी टू मिल जाएगा। वी टू कितना मिलेगा, वी बाई 4, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे हमने नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो किया है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये तो रेस्ट में है, ये मोशन कर रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, आर कितना है, देखो ये पूरा लेंथ एल है तो ये आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना आर है, एम वी आर, ओके, इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ एम वी अपने को पता है, आर को मैं क्या लिखूँ, एल बाई टू लिख देता हूँ, और आई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है, पाई बाई टू, यानी 90 करवाना टाइम टी, तो ये मैं लिख देता हूँ पाई बाई टू इंटू टी, तो यहाँ से मेरा टी मिल जाएगा एल पाई बाई थ्री वी, राइट, ये आ गया टाइम। अब बोला है कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस टाइम में, तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है। स्पीड क्या है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड वी, इसका सेंटर का स्पीड वी टू और टाइम टी। वी टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई 4, और टाइम को क्या लिख सकते हैं, एल पाई बाई 3 वी, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, वी वी कैंसल, एल पाई बाई 12 डिस्टेंस आ जाएगा, एल पाई बाई 12। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।